हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे यूनिवर्सल कार्ड के बारे में बताऊंगा जिसका आकार तो बहुत छोटा है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत बड़ी है। तो दोस्तों, V56 U11 सॉफ्टवेयर कार्ड तो आपने देखा ही होगा और अब मैं आपको जो कार्ड दिखाने जा रहा हूँ वो आकार में इससे काफ़ी छोटा है लेकिन उसकी पिक्चर क्वालिटी इसकी पिक्चर क्वालिटी के मुकाबले काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों, यहाँ पर है हमारे पास एक यूनिवर्सल कार्ड जिसका मॉडल नंबर है TR67.07। इसका आकार आप देख सकते हैं 56 U11 से काफ़ी छोटा है। छोटा होने के कारण इसे कहीं भी आराम से फिट किया जा सकता है। आप जब इस कार्ड को परचेज करेंगे तो इसके बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा एक रिमोट, इसके साथ आपको मिलेगी एक केबल जो कि यहाँ पर ऐसे फिट हो जाती है और आपके बन जाते हैं ऑडियो वीडियो पोर्ट। और साथ में आता है कीपैड पैनल और आईआर पैनल जिसका कनेक्शन यहाँ पर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके कीपैड है और यह है इसका रिमोट सेंसर। और साथ में इसके साथ एक स्लिप आती है जिसके अंदर इस कार्ड के रेजुलेशन कोड और सर्विस मेन्यू कोड दिए गए हैं। तो आज हम इस कार्ड को एक सोनी 40 इंची फुल HD LED TV में लगाएंगे और आपको दिखाएंगे साउंड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी। और आप बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपको ये कार्ड कैसा लगा और पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी आपको कैसी लगी। तो आइए इस कार्ड को लगाते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास है सोनी कंपनी का 40 इंची LED TV जिसके अंदर हम आज यूनिवर्सल कार्ड लगाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है KDL40R470B। तो दोस्तों, मॉडल नंबर के अंदर ही टीवी का साइज़ के बारे में बताया गया होता है। तो जो स्टार्टिंग में आप ये देख रहे हैं ना 40, तो ये टीवी 40 इंची का LED टीवी है जो कि एक फुल HD LED टीवी है। तो इसको हमने खोल लिया है और आप इसमें देख सकते हैं ये इसका कार्ड है। इस कार्ड को हम बदलेंगे और इसकी जगह पर ये वाला यूनिवर्सल कार्ड हम लगाएँगे। तो ये इसके स्पीकर के कनेक्शन हैं, ये बैकलाइट के कनेक्शन हैं और ये इसके IR के कनेक्शन है और ये हो गया LVDS केबल जो कि इस साइड भी लगी हुई है। तो ये हमने अलग कर दिया है। तो दोस्तों, इस कार्ड को अब हम अलग कर देते हैं और अब इसकी जगह पर ये वाला कार्ड हम फिट करेंगे। इस कार्ड को चलाने के लिए 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी और एक चीज़ और ज़रूरत पड़ेगी बैकलाइट ड्राइवर की, क्योंकि इस टीवी की बैकलाइट को चलाने का जो सेक्शन है वो इस कार्ड के साथ ही अलग हो गया है। तो अब इस कार्ड को अब इस बैकलाइट को चलाने के लिए हमें बैकलाइट ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने एक ये पावर सप्लाई ली है, इस पावर सप्लाई से हम 12 वोल्ट इस कार्ड को दे देंगे और इस पावर सप्लाई में बैकलाइट ड्राइवर भी है। जो ये आप एरिया देख रहे हैं ये बैकलाइट ड्राइवर है यानी इन्वर्टर सेक्शन है, इसके द्वारा हम टीवी की बैकलाइट भी जला देंगे यानी ये कनेक्शन हम इस पावर सप्लाई से कर देंगे। तो बैकलाइट का काम और इस कार्ड को 12 वोल्ट देने का काम इस पावर सप्लाई से हम कर देंगे। तो दोस्तों, हमने ये कार्ड कर दिया है इसकी बॉडी में फिट। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दो पेचों के द्वारा इसे टाइट कर दिया है यहाँ पर। और इसके लिए जो कनेक्शन है हमने पहले ही तैयार कर लिए हैं। तो देखिए, ये है LVDS केबल जो हमने पैनल के लिए लगा दी है। तो इसका कनेक्शन हम करेंगे यहाँ पर। इसका कनेक्शन हमने कर दिया है और अब इस कार्ड के लिए 12 वोल्ट हम पावर सप्लाई से देंगे इस केबल के द्वारा। और ये है हमारा IR सेंसर का वायर, ये हमने लगा दिया है। और अब है
स्पीकर का कनेक्शन। तो देखिए दो स्पीकर के कनेक्शन है, ये हम यहाँ पे कर देंगे जहाँ पर स्पीकर का कनेक्टर है। ये हमने कर दिया है कनेक्शन, और अब ये है पावर केबल जो लगानी है इस पावर सप्लाई के अंदर। और एक चीज़ और हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, तो एक बार ज़रा यहाँ पे दिखाना, ये बैकलाइट के लिए जो बैकलाइट वायर है आ रही है यहाँ से, तो दोस्तों ये बैकलाइट के लिए जो वायर है वो हमने इन्वर्टर सेक्शन में यहाँ पर इसका कनेक्शन कर दिया है। और इन्वर्टर सेक्शन के लिए बी एल ओन मेन बोर्ड से ही पीली तार के द्वारा बैकलाइट सेक्शन को मिल जाएगा, ठीक है, ताकि जब हम टीवी को ऑन करें उसके बाद ही बैकलाइट जले, उससे पहले ना जले, ठीक। तो ये कनेक्शन हमने सारे यहाँ पर कर दिए हैं, और अब हम पावर केबल लगाएंगे। ये पावर केबल हमने लगा दी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइट यहाँ पर ऑन हो गई है स्टैंड बाय, और अब हम टीवी को ऑन करेंगे। टेम्परेरी दो पेज हम लगा देते हैं, और अब हम टीवी को ऑन करेंगे। पास लाके दिखाओ दोस्तों, ये आप लाइट देख रहे हैं ना, तो टीवी हमारा ऑन हो गया है लेकिन पिक्चर अभी नहीं आई है। तो पिक्चर क्यों नहीं आई है, इसका कारण ये है दोस्तों कि जो हमने नया कार्ड लगाया है उस कार्ड के अंदर अलग अलग पैनल के हिसाब से सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर पैनल की रेजोल्यूशन के हिसाब से होते हैं। तो अब हमें इस कार्ड को ये बताना पड़ेगा कि हमने इस कार्ड में कौन से पैनल का कनेक्शन किया है, यानी जो पैनल हम लगा रहे हैं इसका रेजोल्यूशन क्या है। तो ये जो पैनल है ये फुल एचडी पैनल है, और फुल एचडी पैनल की जो रेजोल्यूशन होती है वो होती है 1920x1080। तो इसके साथ, इस कार्ड के साथ एक स्लिप आती है, जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया था। तो इस स्लिप में लिखा हुआ है कि जो भी पैनल है, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना एक बार स्लिप को, तो जैसे ये हमारा पैनल है 1920x1080 यानी फुल एचडी पैनल है, और इसके अलावा भी अलग अलग पैनल की यहाँ पर रेजोल्यूशन लिखी हुई है। तो इतने प्रकार के पैनल्स के अंदर हम इस कार्ड को लगा सकते हैं, और क्योंकि हमारा फुल एचडी पैनल है इसका रेजोल्यूशन होता है 1920x1080। तो इसके लिए हमें इसके साथ जो ये रिमोट आता है, इस रिमोट के द्वारा एक कोड दबाना पड़ेगा। ये कोड है इनपुट 03661। तो ये कोड मैं जब दबाऊँगा तो ये पैनल इस कार्ड के साथ मैच हो जाएगा और पिक्चर आ जाएगी। तो आइए ये कोड हम दबाते हैं। तो देखिए इस रिमोट में इनपुट बटन नहीं है, लेकिन इनपुट बटन ना हो तो आप सोर्स बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम दबा रहे हैं सोर्स 03662। तो ऐसा करने पर टीवी बंद होकर के चालू होगा, ये पिक्चर आ गई है। यहाँ पर पिक्चर तो आ गई है, लेकिन पिक्चर में कुछ कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। पहली कमी तो ये है कि पिक्चर यहाँ पर उल्टी आ रही है, आप देख सकते हैं सोनी यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन जो ये HDMI है ये उल्टा लिखा हुआ है। और दूसरी कमी ये है कि यहाँ पर कुछ लाइनिंग आ रही है, देखिए आ रही है कैमरे में, पता चल रहा है? देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं, तो ये लाइनिंग पूरे पैनल पर आ रही है। तो नया कार्ड लगाते हुए कई बार इस तरीके की लाइनिंग आ जाती है, या फिर मैपिंग आ जाती है, यानी कुछ ख़राब पिक्चर यहाँ पर आती है। इस पिक्चर को ठीक करने के लिए हम सर्विस मेन्यू में जाएंगे। तो इस कार्ड का सर्विस मेन्यू है इनपुट 208, जैसा कि आप देख रहे हैं इनपुट 208 इसका सर्विस मेन्यू है। तो अगर रिमोट में इनपुट ना हो तो सोर्स दबाकर आप 208 दबा सकते हैं। तो अब हम खोलेंगे इसका सर्विस मेन्यू।
सोर्स 208। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सर्विस मेन्यू यहाँ पर आ गया है इसका। तो सबसे पहले हम इसकी पिक्चर को सीधा करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पैनल सेटिंग के अंदर जाएंगे। तो देखिए यह है पैनल सेटिंग, तो रिमोट से जाएंगे इसमें, ये आ गए हम पैनल सेटिंग के अंदर। और अब हम इसको एंटर करेंगे, ये यहाँ पर दूसरा मेन्यू खुल गया, पैनल सेटिंग के अंदर हम आ गए। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कलर डेप्थ। तो कलर डेप्थ को हम चेंज करेंगे। तो कलर डेप्थ और पैनल मैपिंग एक ही बात होती है। ये आ रहा है इसमें, दिख रहा है कलर डेप्थ ठीक से आ रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे चेंज करेंगे रिमोट से। ये देखिए, अब जो लाइनिंग पहले आ रही थी किस तरीके से जो पिक्चर दिखाई दे रही थी, अब वो नहीं दे रही है। मैं एक बार वो दिखा देता हूँ, थोड़ा यहाँ दिखाओ नज़दीक, ये दिखाओ ये, और आप देख सकते हो आप यहाँ पिक्चर अब ठीक हो गई है। ठीक है, अब हम करेंगे पिक्चर को सीधा। तो उसके लिए हम जाएंगे LVDS स्विंग, सॉरी फ्लिप, उसके लिए जाएंगे हम फ्लिप ऑप्शन में। ठीक है, तो फ्लिप ऑप्शन, यहाँ पर फ्लिप ऑफ लिखा हुआ है, तो हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर आ गया वर्टिकल, ये हमें सिलेक्ट नहीं करना है। अब आ गया हॉरिजॉन्टल, ये भी हमें सिलेक्ट नहीं करना है। हमें सिलेक्ट क्या करना है, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल। अगर आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी पिक्चर चली जाएगी, पिक्चर भाग जाएगी, तो दोबारा ये पिक्चर नहीं आएगी जब तक आप इस सेटिंग के अंदर जा कर के ठीक ना करें। लेकिन सेटिंग के अंदर हम जा नहीं पाएंगे जब तक कुछ दिखाई नहीं देगा, तब तक सॉफ्टवेयर दोबारा इस कार्ड के अंदर चढ़ाना पड़ेगा। अगर सॉफ्टवेयर आपके पास होगा तो आप इसे रिपेयर कर पाएंगे, सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो इसे रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं लेना है, आपको लेना है हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल। करने के बाद आपको जब आप वापस जाएंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपने जो सेटिंग चेंज करी है उसे चेंज करना है या फिर जैसा पहले था वैसे रखना है। तो हमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, ओके। तो ओके करते ही टीवी बंद होगा, फिर अपने आप चालू होगा। तो पिक्चर देखिए वापस सीधी हो गई है। तो ये पिक्चर हमारी बिल्कुल सीधी हो गई है। अब आप देख सकते हैं HDMI 1 और नो सिग्नल बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, अब आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे हमने टीवी को चालू किया तो LG लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन टीवी हमारा सोनी का है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस सर्विस मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू 208, सॉरी सोर्स 208। ये सर्विस मेन्यू हमारा खुल गया है। यहाँ पर पहले पिक्चर उल्टी थी तो वहाँ दिख रहा था, अब सीधी हो गई तो यहाँ दिख रहा है। और अब आपको हम लोगो चेंज करना बताएंगे। तो लोगो चेंज करने के लिए आप जनरल सेटिंग में जाएंगे, जनरल सेटिंग। तो जनरल सेटिंग के अंदर जा करके यहाँ पर लिखा हुआ है पावर शो लोगो, तो पावर शो लोगो पर फिलहाल अभी LG लिखा हुआ है। तो अब हम इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पर देखिए सैमसंग भी है, MI भी है और कैप्चर भी है। कैप्चर से क्या होता है कि कोई भी लोगो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं चाहें तो। और हाइड लोगो का मतलब यह है कि जब आप टीवी ऑन करेंगे तो कोई लोगो ही नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हमारा सोनी का टीवी है तो अब हम इसमें सोनी सेट कर देते हैं और वापस चले जाएंगे। अब टीवी को करेंगे ऑफ और अब हम टीवी को जब ऑन करेंगे तो सोनी लिखा हुआ आएगा, ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर सोनी लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों अब बारी है पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी की। तो अब मैं आपको इसमें एक पिक्चर दिखाऊंगा जिससे आपको इस कार्ड की पिक्चर क्वालिटी का आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इस कार्ड को आप किसी भी ब्रांड के टीवी में लगाइए, आपको रिमोट मैच नहीं करना पड़ेगा, ओरिजिनल रिमोट जो भी उस टीवी का होगा वो ऑटोमेटिकली काम करेगा। तो दोस्तों बारी है साउंड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी की। थैंक
थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.